दोस्तों A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी का 100 रियाल इंडिया में कितना होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना ओपेरा ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च आइकन मिलेगा ऊपर में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 100 सऊदी रियाल इन इंडियन रुपीज़। लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च आइकन ऊपर में या फिर नीचे में मिलेगा, तो आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सर्च होना स्टार्ट हो गया है। सर्च होने के बाद आपको 100 सऊदी रियाल आपके सामने आएगा कि 1,904.88 रुपया इंडियन रुपीज़ में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 200 रियाल का कितना होता है। तो 200 रियाल का होता है 3,809.76 रुपया यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में, और ऊपर में बता रहा है सऊदी रियाल में। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आपके फ़ोन में नहीं है ओपेरा ब्राउज़र तो आपको अपना सीधा गूगल ओपन कर लेना है, अपने आपके फ़ोन में होएगा। उसको गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 100। जैसे आप यहाँ पे 100 लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना है, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे रियाल उसके बाद इन इंडियन रुपीज़। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सऊदी का, यहाँ पे जैसे कि आ रहा है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको बताया जा रहा है कि 1,904.88 रुपया इंडियन रुपीज़ में होता है 100 रियाल का सऊदी का, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे आपको सऊदी रियाल और इंडियन रुपीज़ दोनों लिखकर आ रहा होगा। ये देखिए ऊपर में सऊदी रियाल और नीचे में इंडियन रुपीज़। दोस्तों वीडियो का जो लाइक